قرضوں میں مبتلا ہے، انہیں قرضوں
से निजात अता फरमा आमीन। या अल्लाह जो मुसीबतों में है उनकी मुसीबतें दूर फरमा आमीन। या अल्लाह तमाम भाई और बहनें जो बाहर हाथ उठाए खड़ी हुई हैं, या अल्लाह उनके भी दिल की तमाम नेक और जायज तमन्नाएं पूरी फरमा आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम जो मुसीबत में है उनकी मुसीबतें दूर फरमा आमीन। खुसूसी तौर पर ये प्यारा मुल्क, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ अमन और अमान है, जहाँ प्यार और मोहब्बत का संगम है, या अल्लाह या रहमान हमारे मुल्क में अमन और अमान का क़याम फरमा आमीन। हमारे मुल्क को हर बुरी नजर से महफूज आमीन। हमारे मुल्क को हर तरह के इख्तलाफात से महफूज आमीन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल कर एक साथ इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की तौफीक अता फरमा आमीन। खासतौर पर मुसलमानों को पढ़ लिख कर वकालत करने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने और बड़े बड़े शोबाजात में जाने की तौफीक अता फरमा या रहमान या रहीम। कल के राते हुए दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं अब तेरे दर पे हाथ फैलाए हुए, खार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। अब परस्तों की अगर की तूने दिल जुई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। या खुदा जिसने जब तक मेरी जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। शामियाना परे जिब्रील का और तुर्बत पर किश्ते इश्क मोहम्मद की पहचान रहे। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है या रब, निजात के वक्त सलामत हम सबका ईमान अपना आते ना फिर दुनिया हसरतों में फिल आखिरत हसरतों में अजाब नार वक्त अजाब القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب سكرات الموت وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.